उन्नाव गैंगरेप मामले में सीबीआई ने आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। सीबीआई की टीम पीड़ित परिवार से मिलने उन्नाव पहुंची। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 का ऐलान, न्यूटन को मिला बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। कठुआ गैंगरेप में एमपी बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा, हिंदुस्तान की बेटी के साथ बलात्कार के पीछे पाकिस्तान का हाथ। मेनका गांधी बोली, कठुआ गैंगरेप से हूं बुरी तरह आहत, नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का बने कानून। कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन निशानेबाजी में अनीस भनवाला और तेजस्वी सावंत ने भारत को दिलाया गोल्ड। नमन ने जीता ब्रॉन्ज, भारत को मिला 35वां मेडल। ग्वालियर में सौतेले पिता ने 9 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार, आरोपी फरार। कठुआ उन्नाव रेप के विरोध में कांग्रेस का आधी रात को दिल्ली में कैंडल मार्च। राहुल गांधी ने कहा, सरकार इसे राजनीति न समझे, ये आम जन की आवाज है। दिल्ली के कोहाट इनक्लेव में एक घर के आगे आग लगने से 4 लोग जिंदा जले, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। हिंदी सिनेमा में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले बलराज साहनी की आज है पुण्यतिथि। 13 अप्रैल 1973 को मुंबई में 59 वर्ष की उम्र में हुआ था निधन। आईपीएल के 7वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने शिखर धवन की 45 रनों की धमाकेदार पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस को रोमांचक मुकाबले में 1 विकेट से हराया।